मीडिया के प्रेस के जितने भाई बहन आए हैं उन सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ अपनी तरफ से और एकेएस म्यूजिक की तरफ से। एकेएस म्यूजिक मेरे बहुत पुराने दोस्त श्री अश्विनी कुमार सहदेव और मैं हम ऐसे ही बैठे थे और बैठे बैठे बात हुई, कुछ अच्छा संगीत कुछ अच्छा म्यूजिक मेलोडियस म्यूजिक लोगों तक पहुँचे और इसी तरह से इस एकेएस म्यूजिक का जन्म हुआ। तो दोस्तों मेरी यही इस कंपनी के माध्यम से कोशिश रहेगी कि आप लोगों तक सुरीला अच्छा म्यूजिक पहुंचे और खास न्यू टैलेंट्स नए टैलेंट्स जो अपकमिंग टैलेंट्स हैं उनको हम प्रमोट करें। और मुझे खुशी है कि इस काम में मेरा सहयोग मेरे सभी कलीग मेरे सभी साथी दे रहे हैं और मैं शुक्रगुजार हूँ आज पंकजदास जी, रूप कुमार राठौर जी, चंपक जैन साहब और यहाँ पर पामिला जैन जी और जो भी जितने भी गेस्ट आए हैं उन सबका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, थैंकफुल करता हूँ लोगों को। और ये जो डब्ल्यू क्या चीज़ है फिल्म है, इस फिल्म का जो ऑडियो है हम रिलीज करने जा रहे हैं और इसको डायरेक्ट किया है लॉरेंस डिसोजा जी ने जो इस वक्त मैंगलोर में शूटिंग में है और किसी कारणवश नहीं आ पाए लॉरेंस डिसोजा जी। इस फिल्म के अंदर जिन लोगों ने गाया है वो है एस पी बाला सुब्रमण्यम साहब, अलका याग्निक जी, सलमा आगा जी, पंकज दास साहब, शुभम उदगर जी और मैं। तो बड़ा सुंदर म्यूजिक इस फिल्म का बन पड़ा है। तो पहले हम इस फिल्म के म्यूजिक को रिलीज करवाना चाहेंगे हमारे पंकजदास भाई के हाथ में और इस फिल्म के जो निर्माता हैं गोपाल वर्मा जी, जिन्होंने इतनी खूबसूरत ये फिल्म बनाने की हिम्मत की है। इस जमाने में मेलोडियस म्यूजिक बनाना बहुत ही मुश्किल काम है। तो मैं निवेदन करूँगा पंकज भाई से, रूप कुमार राठौड़ जी से और गोपाल वर्मा जी से, प्रोड्यूसर से कि वो प्लीज मंच पे आए और इस फिल्म के ऑडियो का रिलीज जो है उसको अंजाम दें। इसके बाद जो हमारा एक और एल्बम है जिसमें रूप है इमानिका राठौड़ जी, सुरानी राठौड़ जी, मैं साधना सरगम, हमने बड़ा खूबसूरत कोई एल्बम बनाया उसके बाद उसका विमोचन होगा। पहले हम इस फिल्म का मैं चाहूंगा पामिला जी आप इस स्टेज पे आ जाए प्लीज। पामिला जैन मशहूर प्लेबैक सिंगर, कबीर ये लाइट हटाओ ना भाई। और लिरिक्स लिखे हैं समीर राजा जी ने। एक खास और एक बात मैं बताना चाहूँगी, इन दोनों ही एल्बम्स जिन्होंने बहुत ही खूबसूरती से अरेंज किया है, बहुत ही जाने माने वॉकलिस्ट म्यूजिक डायरेक्टर और अरेंजर हैं और रामशंकर जी के एक बहुत ही करीबी रिश्तेदार भी हैं वो। दीपक पंडित जी का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे और अमेजिंग ब्यूटी beautiful talent that he has shown in the two albums. Let's hear it for the first album, Dil Ki Kya Cheez Hai. ये दोनों ही टाइटल मोहब्बत के बारे में बयान करते हैं, जहां दिल की बात हो रही है हो जाए
इनके भी प्रोड्यूसर हैं गोपाल वर्मा जी, डायरेक्टर हैं पवन सर सोसा जी, सिंगर्स आर श्री रूप कुमार राठौर जी, सोनाली राठौर जी, राम शंकर जी, सारनाथ रखम जी, विनोद राठौर जी एंड सोनाल बाजपे जी. The lyrics are written by Nakshya Sudeep ji, Pair Jamilami ji, Jay Samir ji, Naina ji, Manjit ji, Rajendra Bhatt ji, Seema Nirankari ji. Sir, video please. आज अपना टीम के वक्त निकाल कर जो पंथराज जी और रूप कुमार राठौर जी यहाँ पर आए हुए हैं उनके लिए क्या कहा जा सकता है. वैसे यस बहुत ही एक खास मित्रता है रामचंद्र जी के साथ उनके मुलाजे पर वो यहाँ पर आए हैं. बहुत बहुत दोस्तों भाइयों बहनों मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा इस फिल्म के प्रोड्यूसर श्री गौरव वर्मा गोपाल वर्मा श्री राम शंकर जी को और खास करके आज के इस मौके पर मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा AKS जो नया म्यूजिक लेबल आज लॉन्च किया गया है. हम सब जानते हैं कि म्यूजिक का दौर इस वक्त एक अलग सा दौर है और ऐसे दौर में एक इस तरह की नई कंपनी लाना बहुत बड़ी बात है. अश्विनी कुमार जी भी इसमें शामिल है. नमस्कार. सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूँ राम भाई को. इतना खूबसूरत काम इन्होंने किया है. जितने भी गाने इन्होंने कंपोज किए हैं जो गाने गाए हैं वो अपनी एक अलग ही छाप छोड़ते हैं. तो मुझे बहुत खुशी है जब भी इनके अंदर में कोई गाना बनता है इलेक्शन में गाने के लिए कहा जाता है तो ये हमेशा डिफरेंट रहता है कि कुछ अच्छा गाने को मिलेगा क्योंकि ये बहुत जरूरी है. और AKS म्यूजिक कंपनी जो लॉन्च की है तो ये वाकई जिसे पब्लिक मैंने कहा कि आज के दौर में ये बहुत बड़ा स्टेप है. और मैं अश्विन कुमार राम भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और ईश्वर से दुआ करता हूँ कि कंपनी दिन दो दिन आज चल रही है. क्या बात है यारों की दुआ. बहुत बहुत शुक्रिया. बहुत बहुत शुक्रिया अरुण भाई मंगल भाई आपका सबका बहुत बहुत शुक्रिया. और आज मेरे खास एक दोस्त खास तौर से के लिए इस फंक्शन के लिए आए हैं ये चिराग वर्षणी जी. मैं इनका भी स्वागत करूँगा चिराग भाई का. चिराग वर्षणी जी जो खासतौर से अलीगढ़ से आए हैं मेरे वतन से. तो दोस्तों और मैं स्वागत करूंगा सारे गमा से आए हुए. आप भी आ जाओ बेटा दो मिनट. हर्ष आप आए हरज्योत और सचिन ये दोनों भी बहुत टैलेंटेड हैं. इनको भी बहुत जल्दी मैं रिकॉर्ड करने वाला हूं. इनको भी बहुत जल्दी इनके एल्बम बनाऊंगा मैं. और बहुत ही टैलेंटेड हैं हरज्योत एंड सचिन वार्मिकन. दोस्तों आप सबका आशीर्वाद चाहिए. मीडिया प्रेस सबका आशीर्वाद चाहिए. इस कंपनी को आगे बढ़ाने में आपका सपोर्ट चाहिए. थैंक यू वेरी मच. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू एवरीबॉडी. सुपुत्री स्नेहा रामशंकर का जिनकी अभी रिसेंटली गाए हुए टाइटल सॉन्ग की बड़ी तारीफ हो रही है. अक्सर जहां उमन मम्मीज अपनी बच्चियों को लोरी सुनाती हैं ये पहली ऐसी लोरी है जो बच्ची ने गाई है अपनी माँ के लिए. बहुत लोगों ने पसंद किया है इस टॉपिक को और खासतौर पर इस धनबाद को. 100 वर्ष आयु है आपकी. हम बात जिनकी कर रहे थे वो इस मौके में आ चुकी है. मैं चाहूँगी कि पहले वो थोड़ी सी सांस ले लें थोड़ा सा और उसके बाद में फिर मैं रिक्वेस्ट करूँगी इस प्यारी सी छोटी सी गायिका से कि वो जो बहुत ही मशहूर टाइटल ट्रैक हुआ है नामकरण का वो गाएं. दोस्तों नए टैलेंटेड बच्चों को प्रमोट करने के कड़ी में मैं ये सारे गांव के बच्चों को रिकॉर्ड कर ही रहा हूँ. स्नेहा का भी एक एल्बम कर रहा हूँ तो मैं चाहूँगा स्नेहा ने जो नामकरण सीरियल अभी जो स्टार प्लस पे रहा है उस सीरियल में जो टाइटल ट्रैक गाया है बच्ची के लिए दो बोल स्नेहा प्लीज आप सुना दें. अब भाई को सबको